नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए सियासी संकट गहराता जा रहा है। वो बार बार मांग कर रहे थे कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए और वो शक्ति परीक्षण करे। हालांकि राज्यपाल ने अनुमति तो दी लेकिन शर्तों के साथ। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो सत्र बुलाना फिलहाल अशोक गहलोत के लिए संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फिर से मांग की है कि सत्र को कुछ शर्तों के साथ बुलाया जाए और शक्ति परीक्षण किया जाए। लेकिन जो बात राज्यपाल कह रहे हैं और जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, दोनों में काफी अंतर है। इस बीच सचिन पायलट गुट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के खेमे के जो विधायक हैं उसमें से लगभग 30 विधायक लगातार सचिन पायलट के गुट से संपर्क में। और इसी बीच अब अशोक गहलोत का खेल बिगाड़ने के लिए मायावती भी आ गई। मायावती अब हर दिन अशोक गहलोत पर निशाना साध रही और कह रही हैं कि धोखे से अशोक गहलोत ने बीएसपी के 6 विधायकों को अपने पार्टी में मर्ज करा लिया और अब वो चाहेंगे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन उनकी पार्टी को और विधायकों को न्याय जरूर मिले। जब उनसे यह सवाल किया गया कि फिलहाल यह वक्त क्यों चुना, तो उन्होंने ये कहा कि हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि उनके समान अर्थात विधायकों की चोरी हो गई है, जो ये बहुत ही अनैतिक है, तथा आम जन जिन्होंने विधायकों को चुना था उनकी मनसा के खिलाफ है। इनका ये कथन और परेशानी वाला व काफी हास्यास्पद भी लगता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था, और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मनसा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद ये गलत काम करते और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म का जो इन्होंने बात कर रहे हैं, तो ये सोच समझकर इनको करनी चाहिए, तो ये ज्यादा इनके लिए बेहतर हो। राजस्थान के सियासी संकट में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अशोक गहलोत जहां बार बार शक्ति परीक्षण के लिए जोर दे रहे हैं, वहीं राज्यपाल शर्तों का हवाला दे देते हैं, जबकि सचिन पायलट का गुट आराम से दिल्ली में बैठा हुआ है। खबर यह भी आ रही है कि अशोक गहलोत खेमे के जो विधायक हैं वो अब होटलों में बैठ के भी तंग हो जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें बाहर जाने दिया जाए, लेकिन अशोक गहलोत के खेमे का यह कहना है कि फिलहाल किसी भी विधायक को बाहर आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि राज्यपाल ने जो समय अवधि दी है उस समय अवधि का, या ये विधायक बाहर निकले तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकता है और शायद सरकार गिर जाए। तो उसे बचाने के लिए लगातार अशोक गहलोत खेमे की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इसमें मायावती के आने के बाद मामला थोड़ा फंसता नजर आ रहा है।